सरकारी सेवा से रिटायर हुए पेंशनरों को खुद के जिंदा होने का सबूत देने का प्राविधान किया है। इस लिहाज से हर साल नवंबर माह में कोषागार में ये सर्टिफिकेट देने को इनकी भीड़ जुटती है। हालांकि सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को जिंदा होने का सबूत देने को ऑनलाइन समेत ट्रेजरी व नजदीकी बैंक में ये प्रमाण पत्र देने की सहूलियत दी, लेकिन बुजुर्ग पेंशनरों को सरकार की ऑनलाइन बैंक सुविधा पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वहां पर ये प्रमाण पत्र देने पर उनकी पेंशन रुक जाती है। शायद यही वजह है कि वो खुद को जान जोखिम में डालकर जीवित होने का प्रमाण पत्र देने को घर से ट्रेजरी ऑफिस तक मजबूरी खींचे चले जाते हैं। मौजूदा वक्त में ट्रेजरी कार्यालय में बुजुर्ग पेंशनरों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कोषागार प्रशासन ने इन्हें सुविधाएं देने के लिए 5 काउंटर बना रखे हैं। इनके बैठने के लिए परिसर में टीन शेड के नीचे फर्नीचर की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी बुजुर्गों को खुद के जिंदा होने का सबूत देने को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इंडिया की टीम ने कोषागार पहुंचकर जीवित होने का प्रमाण पत्र देने आए बुजुर्गों से बात की तो उनमें से कुछ ने ट्रेजरी प्रशासन की सुविधाओं को सराहा तो कुछ ने सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने का सुझाव दिया। आप भी सुनिए क्या बोले बुजुर्ग पेंशनर। पहले काउंटर नहीं हुआ करते थे, अब 5 काउंटर बने हैं। हर काउंटर पर नहीं, 6 काउंटर है, एक अंदर परिवार पेंशनर का अलग है। 6 काउंटर बने हुए हैं, सबके फार्म सुविधापूर्वक जमा हो रहे हैं। लेकिन चूंकि बुजुर्ग है, किसी को हाथ कांपते हैं, किसी को दिखता नहीं है, कोई चल नहीं पाता है, तो उनको आने पर तुरंत यहाँ का कर्मचारी अगर गाड़ी में आए हैं तो वहाँ जा करके उनका वेरिफिकेशन करता है और जीवित प्रमाण पत्र हो जाता है। यहाँ पर आए तो यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की भी व्यवस्था है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग ऑनलाइन के बजाय भी मैनुअल ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ आ करके आते हैं। अगर ये ऑनलाइन भी कुछ लोग हो जाए जो पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़्यादा सुविधा होगी। पेंशन है, उसका जीवित प्रमाण पत्र हम जमा करने आए हैं कि मैं जीवित हूँ, 1 साल बाद जमा होता है। यहाँ आते हैं भैया, दिक्कत बहुत है। परेशान तो यहाँ पानी की व्यवस्था थी, फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी आप देख लीजिए कहीं पानी हो। और क्या समस्याएं आती हैं? और समस्या क्या बताएं आपको, समस्या फार्म भरने में तो भर लेते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, टीचर रह चुके जैसे भर लेते हैं, सब फार्म भर लेते हैं। अभी है कहीं कहीं परेशानी आ जाती है तो आप लोग मालूम कर लें, इधर उधर हो जाता है। हमको कोई दिक्कत नहीं भी है, आपको नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग आते हैं उनके साथ उनके कोई आता है, ठीक है, उसको हेल्प मिल जाते हैं, हम लोग कर देते हैं। सरकार क्या करना चाहिए पेंशन? सरकार तो कर ही रही जो कर रही है। इस मामले में वरिष्ठ कोषाधिकारी जानवी मोहन से बात की तो उन्होंने विभागीय सुविधाओं का बखान किया। आप भी सुनिए वो क्या बोली। लगभग नवंबर में हमको 7,000 के आसपास लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने हैं, जिसमें कल तक की फिगर के अनुसार लगभग 3,000 फॉर्म हमारे जमा हुए थे। एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी 3,000 के आसपास हमारे कल की डेट तक जमा हो गए थे। और सुविधाओं के लिए जैसा कि आप संज्ञानित हैं आप लोगों को कि हम यहाँ पे भी लाइफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ये दे सकते हैं। इनके नियरेस्ट जो बैंक शाखा है उनको भी निर्देश दिए जा चुके हैं, बैंक शाखा में भी जाकर ये अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और ऐसा शासनादेश नहीं है, लेकिन विगत 2 वर्ष से अत्यधिक जो बुजुर्ग हैं या जो बिल्कुल बिस्तर पे हैं, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे हो रहा है, उनके घर वाले अगर हम लोगों को संपर्क करते हैं तो सहायक कोषाधिकारी यहाँ से मैं भेज देती हूँ और वो जा करके वहाँ पे सत्यापन कर लेते हैं। ऐसे लगभग 20 लोगों का सत्यापन हम लोगों ने विगत वर्ष में किया था। इस वर्ष भी हमें कुछ लोग जो है इस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं कि बहुत अधिक बीमार हैं जो कि यहाँ तक नहीं आ सकते, या ऑनलाइन उनके आँख के प्यूपल या वो नहीं मैच कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग जो है काम करेंगे। इस वर्ष भी निश्चित रूप से जो हमसे हो सकेगा हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।